नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि CDS 2018 एग्जाम के लिए आपकी लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, और इस 60 डेज के बाद होगी आपकी 18 डेज की रिगरस प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रिवीजन भी करनी है। तो ये पूरा हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना कि आपको कंपार्टमेंट में पढ़ाई नहीं करनी, मतलब आप सिर्फ 15 दिन के लिए पॉलिटी करोगे, उसके बाद 10 दिन के लिए ज्योग्राफी, और उसके बाद करंट अफेयर्स। आपको CDS एग्जाम के लिए किस तरीके से पढ़ना है ये हम तीन स्टेजेस में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की, मतलब जिनको सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर देना है। तो स्टेज वन में आपको क्या करना है, कोई भी चार सब्जेक्ट चूज करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। आपको इन चार सब्जेक्ट्स के डेली 2.5 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो पढ़ाई भी क्यूमुलेटिव होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि सुबह 6 से 8:30 में पॉलिटी करूंगा, 8:30 से 10 ज्योग्राफी, ऐसा नहीं। ये क्यूमुलेटिव पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब अगर एक गो में आपने 45 मिनट्स पढ़ाई कर ली, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लिया, और उसके बाद फिर आपने 30 मिनट्स पढ़ाई की, तो क्यूमुलेटिव आपका कितना टाइम होता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टेज वन में आपने देखा कि आप कोई भी चार सब्जेक्ट चूज कर रहे हो और उसकी डेली 2.5 आवर्स स्टडी कर रहे हो। मतलब अगर आप टोटल देखोगे तो 10 आवर्स की स्टडी आपने इन चार सब्जेक्ट की कर ली। और अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इन चार सब्जेक्ट्स में पॉलिटी निकल कर हिस्ट्री डाल सकते हो। उसके 10 दिन बाद अगर आपको लगता है कि आपका कोई दूसरा टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ये जो चार पिलर से पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए अगर अभी तक आप हिंदू पढ़ रहे हो तो अभी आपको वो रोकना पड़ेगा, और किसी भी मंथली मैगजीन से आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अब तक आप अगर रेगुलरली कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, तो डेफिनेटली आप जब ये मैगजीन्स पढ़ोगे तो आपको एक रिवीजन की तरह होगा। और जो बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसे देख सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में आप क्या करोगे, अभी तक दिन भर में आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली है, अब आपको जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े उनकी 10-15 मिनट में रिवीजन करनी है। मतलब आपको सिर्फ देखना होगा कि आपने आज क्या क्या कवर किया, और जो भी इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल होंगे या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उसे आपको रिवाइज करना है सिर्फ 10 से 15 मिनट में। आपने दिन भर जिन चार सब्जेक्ट की पढ़ाई की उनकी पूरी रिवीजन करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। स्टेज टू को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जब आप दिन में चार सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो तो आपका कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप रिवीजन करोगे सिर्फ 15 मिनट एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको एटलीस्ट बर्ड आई व्यू आएगा कि मतलब आपने दिन में क्या पढ़ाई की है और क्या क्या आपने कवर किया है। तो दो स्टेजेस आपके कंप्लीट हो गए। और थर्ड स्टेज जो है कि आपको किसी भी एक सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज का, उसके आपको 20 MCQ सॉल्व करने हैं। दोस्तों, आप MCQ थोड़े ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 20 तो सॉल्व करने ही होंगे, क्योंकि एट द एंड आपको जो पेपर में MCQ ही आने वाले हैं, तो MCQ की प्रैक्टिस आपको डेली होनी चाहिए। आप अगर बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो आप 20 के जगह 30-35 भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 20 तो डेली होने ही चाहिए। और दोस्तों, MCQ सॉल्व करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके सारे ऑप्शंस आपको ठीक से देखने हैं, और उनकी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लेनी है। मतलब अगर उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको CDS के एग्जाम में दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। मतलब एक्चुअली आप सिर्फ 20 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अगर आपने हर क्वेश्चन डिटेल में एनालिसिस किया तो एग्जाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन की आपकी एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब तीनों स्टेजेस हम रिवाइज करेंगे। स्टेज वन में आपने चार सब्जेक्ट की डेली 2.5 घंटे पढ़ाई की, मतलब क्यूमुलेटिव आपकी हो गई 10 घंटे पढ़ाई। स्टेज टू में आपने 15 से 20 मिनट की रिवीजन की हर सब्जेक्ट की, मतलब दिन में मैक्सिमम 1 घंटे में आपने पूरे चार सब्जेक्ट की रिवीजन भी कर ली। और स्टेज थ्री में आपको सिर्फ 20 MCQ सॉल्व करने हैं किसी भी एक टॉपिक के। मतलब आज अगर आप पॉलिटी लेते हो तो 10 दिन के लिए आप पॉलिटी लोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट शिफ्ट करोगे। जिस तरीके से आपकी पढ़ाई होगी उस तरीके से आपको सब्जेक्ट स्विच करना है। और चार सब्जेक्ट दिन में पढ़ने के आपको कुछ फायदे बताऊंगा। सबसे पहले आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, दूसरा कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब अगर आप कंपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हो तो 15 दिन के बाद भी आपके मन में यही चीज होगी कि अभी एग्जाम के लिए सिर्फ 40 दिन बाकी है और मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हुआ। इसके बावजूद अगर आप चार सब्जेक्ट की पढ़ाई पैरेलली एक स्ट्रेटेजी के तहत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब तक आपके तीन स्टेजेस कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको सोना नहीं है। ये रूल आपके दिमाग में फिट कर लो।
अब बात करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इनके स्ट्रेटेजी के बारे में। तीनों स्टेजेस ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, सिर्फ फर्स्ट स्टेज में एक सब्जेक्ट ऐड होने वाला है जो कि है मैथमेटिक्स, क्योंकि आईएमए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको मैथ्स कंपलसरी होता है। तो देखते हैं स्टेज वन। सबसे पहले आपको कोई भी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करने पड़ेंगे, जिसमें 4 होंगे जनरल स्टडीज के और 1 होगा मैथ्स, जो कंपलसरी 5 में होना ही चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और मैथ्स, इन 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हो, तो डेली आपको इन 5 सब्जेक्ट की 2 आवर्स ईच स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब आपका भी क्यूमुलेटिव अराउंड 10 आवर्स की स्टडी होने वाली है, जनरल नॉलेज और मैथ्स को कंबाइन करके। जहां तक बात आती है नोट्स मेकिंग का, तो आपको बहुत ही कम वर्ड्स में और बहुत ही लिमिटेड नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत डिटेल में नोट्स बनाओगे तो आप पूरा पोर्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ अपने बुक में ही इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करना, और अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसे स्टिकी नोट से नोट्स बनाना। और मैथ सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्मूला शीट भी बनानी है, मतलब एग्जाम के कुछ दिन पहले बहुत अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर पाओ। और जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, और डेली एक टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट करने की कोशिश रखना। मतलब अगर आप टाइम एंड वर्क आज शुरू कर रहे हो तो आज और कल 2 दिन में मैक्सिमम आपका मैथ्स का वो टॉपिक कंप्लीट होना ही चाहिए। सीडीएस एग्जाम के हर पेपर की डिटेल स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हो। स्टेज टू में आपने दिन भर में जो इन 5 सब्जेक्ट की स्टडी की, तो उन सारे सब्जेक्ट के लिए आपको इंडिविजुअली 15-20 मिनट्स रिविजन को लिए देने पड़ेंगे। मतलब अराउंड 1 आवर आपका सारे सब्जेक्ट का रिवीजन प्रॉपरली हो जाएगा। और स्टेज 3 में आप क्या करेंगे, किसी भी जीएस सब्जेक्ट के 20 एमसीक्यू सॉल्व करना है। बाकी सब स्ट्रेटेजी आपकी ओटीए की तरह रहेगी, सिर्फ एडिशन यही है कि आप मैथ्स का सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो। दोस्तों, आपको जीएस के एमसीक्यू किस बुक से सॉल्व करने चाहिए? अरिहंत पब्लिकेशन की एक डेडिकेटेड एमसीक्यूज के लिए बुक है, जिसका नाम है जनरल स्टडीज 14,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें जनरल स्टडीज के हर सेक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और डिफिकल्टी लेवल इजी टू हार्ड सब है। तो ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ इसी अटेम्प्ट के लिए, आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए भी और यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये बुक हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब जो चीज बाकी है वो है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। दोस्तों, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश बहुत हार्ड जाता है और कुछ कैंडिडेट्स के लिए बहुत ईजी। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छा जा रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस 60 डेज के लिए आप इंग्लिश साइड में रख के जीके और मैथ्स के ऊपर पूरा फोकस कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी एंड के 25-30 दिन में हम इंग्लिश की बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। तो इन 60 डेज के लिए आप जीएस या फिर मैथ्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे है कि जिनका इंग्लिश बहुत ही ज्यादा पुअर है, तो वो डेली अराउंड 45 मिनट्स इंग्लिश के लिए निकाल सकते हैं और डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, और उस हिसाब से आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी। अभी एंड में हम ये देखेंगे कि आज के स्ट्रेटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले दोस्तों, ये एक मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है, अगर इस स्ट्रेटेजी में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर 80% भी अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। दूसरी चीज, स्टार्ट योर डे एज अर्ली एज पॉसिबल। इसका मतलब आपकी डेली पढ़ाई जितनी जल्दी शुरू होगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप सुबह 7 बजे पढ़ाई शुरू करते हो तो शाम तक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है और रिविजन के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हो। थर्ड चीज दोस्तों, लास्ट 25 डेज में आपको किस तरीके से रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी ये हम आगे देखेंगे। अभी आपके हाथ में ये है कि 60 डेज आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, तो इस 60 डेज में आप पूरी तरीके से अपना 100% देना, और एग्जाम के कुछ 25 दिन पहले मैं आपको रिगरस प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है उसका एक ट्यूटोरियल दे दूंगा। तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहना और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा तो कुछ ही मिनटों में आपको उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। और एंड में एक चीज ध्यान में रखना, हार्ड वर्क पेज ऑफ। मतलब अगर आप जेन्युइनली हार्ड वर्क करते हो तो आपको डेफिनेटली उसका फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की स्ट्रेटेजी खत्म करते हैं, और आपको कोई भी अगर स्ट्रेटेजी के बारे में डाउट होगा या फिर क्वेश्चंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आज ही आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, डिफेंस की जर्नी में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद।